एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ बॉम्बे। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की ड्रेसेस लेके आई हूँ, क्या है कैसे। तो सबसे पहले बहुत सारी ड्रेसेस मैं नहीं कैरी करके आई हूँ क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट में सिर्फ लिमिटेड वेट ही आप कैरी कर सकते हो, लिमिटेड लगेज ही आप कैरी कर सकते हो। तो मेरे पास है ये एक स्कर्ट कम लहंगा, आप देख भी पा रहे हैं काफी आपको घेर वाला ये दिख रहा है और ये ब्लैक कलर है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर है। आप देखिए इरा इस तरीके से और अंदर इसके लाइनिंग लगी हुई है। और इसकी अगर बात करूं कपड़ा कितना लगा है तो ये मैंने 3 मीटर कपड़े से बनवाया है और ये मल्टीटास्किंग है, मतलब मैं इसे कई तरह से कैरी कर सकती हूँ। और ये कैसे बनाया गया है इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल, इसकी कटिंग स्टिचिंग आप बिल्कुल भी देख सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर अपने दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से लिंक ओपन करके ये पूरा देख सकते हैं कि इसको किस तरह से कटिंग किया गया है, किस तरह से स्टिचिंग किया गया है। तो यहाँ मैं इस वीडियो में आपको दोनों चीजें दिखाऊंगी, वेस्टर्न पे आप इसे कैसे कैरी कर सकते हैं और इंडियन अपना क्लासिकल जो ड्रेस है उस पर आप इसे कैसे कैरी कर सकते हैं। मीन्स इट इज गोइंग टू वर्क लाइक अ स्कर्ट और लाइक अ लहंगा टू, तो दोनों तरह से ये काम करेगा। कैसे काम करेगा तो लेट्स कम एंड वॉच। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने स्कर्ट कम लहंगे को जो ब्लैक है, बिल्कुल टोटली ब्लैक कलर, इसको मैंने एक वेस्टर्न टॉप अपने के साथ कैरी किया है। वाइट कलर का टॉप है और स्लीवलेस टॉप है। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा लुक आपके सामने है, ब्लैक एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट है। और इस तरह का लुक आप ऑफिस पर्पज़ से, घर पर भी और कहीं भी आपको वेस्टर्न कैरी करना है, किसी पार्टी में फंक्शन में जाना है, तो आप इस तरह से बहुत सुंदर ये दिखने वाला है। इसके मैचिंग ईयर रिंग्स एंड ऑल अगर आप कैरी करेंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो आप देख भी पा रहे हैं इसका पूरा गेटअप मेरे मैंने पहन के आपको दिखाया है कि कैसा लग रहा है। और ये है सेकेंड टॉप। तो आप मतलब ब्लैक कलर है तो आप किसी भी कलर का टॉप, किसी भी कलर का शॉर्ट टॉप, कुर्ती आप इसके साथ कैरी कर सकती है। वहाँ पर मैंने पीच कलर का देखिए कैरी किया था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये कुर्ती है वाइट कलर की कुर्ती है, थोड़ा सा नेट में है, थोड़ा सा डिज़ाइनर कुर्ती है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मैंने एक फुल कुर्ती देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल फुल कुर्ती यहाँ पर कैरी की है इसी स्कर्ट इसी लहंगे के साथ। तो आपने देखा कि जो नॉर्मल हमारा वेस्टर्न वेयर है, हमारा इंडियन कुर्ती वेयर है, उसके साथ ये ब्लैक कलर का प्लेन स्कर्ट कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ये सारा कैरी करके, ये सारा पहन के कैसी दिख रही हूँ। तो ये आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे ट्राई भी करेंगे। लेकिन उस चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए आप, गीता फैशन क्रिएशन, उस पर उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बारी आती है इसी लहंगे को इंडियन क्लासिकल कैरी करने की। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक, जैसे मैंने डिफरेंट कलर्स के टॉप पहने थे, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज़ कैरी किया है। आप इसे गले जो फुल बंद गला होता है उस पर कैरी कर सकते हैं। मैंने डीप नेक ब्लाउज़ पर इसको कैरी किया है और साथ में बनारसी येलो कलर का दुपट्टा मैंने इसके साथ साइड में कैरी किया है यहाँ पर। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, इस दुपट्टे को आप किसी भी तरीके से कैरी कर सकती हो, सेट कर सकती हो। मैंने यहाँ पर एक दो आपको स्टाइल दिखाए भी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल साइड में शोल्डर पर आप इसको कैरी किया है और पिनअप करके आप किसी भी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। सिंपल सोबर एंड दी बेस्ट, क्योंकि आजकल सिंपल चीज़ें ही ट्रेंड में हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा इसको इस तरह से स्टाइल कर लिया है, फिर साड़ी स्टाइल में मैंने मतलब कई तरह से इसको कैरी किया है। यहाँ पे देखिए मैं इसे सिंपल साड़ी स्टाइल में कैरी कर रही हूँ। ये दुपट्टा नया है तो थोड़ा सा यहाँ से धागा खींचा हुआ है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप, लेकिन आप इस तरीके से देखिए आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। आई एम डैन श्योर कि सबसे डिफरेंट और सबसे सुंदर आप दिखने वाली हैं अगर आप ढंग से इसको कैरी करती हैं, बहुत सुंदर दिखने वाली हैं। तो साड़ी कम लहंगा भी ये एक सिंगल स्कर्ट देखिए आप कितने पर्पज़ से हमने यूज़ किया है। मैं फिर से कह रही हूँ इसको अगर आपको सीखना है तो आप गीता फैशन क्रिएशन, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगी, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये मैंने एक पिंक कलर के स्लीवलेस ब्लाउज पर कैरी किया। जो ब्लाउज है उसमें स्टोन वर्क हो रहा है थोड़ा सा और आप देख भी पा रहे हैं मैंने इस पर कैरी किया। और साथ में मैंने कैरी किया इसका दुपट्टा, जो इसी पिंक कलर का दुपट्टा है। एक्चुअली ये दुपट्टा बहुत हैवी नहीं है, लाइट वेटेड दुपट्टा है। और उस दुपट्टे को मैं आपको कैरी करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने साइड में कैरी कर लिया है, फिर मैं इसको डिफरेंट स्टाइल में आप देखेंगे कैरी किया है। हाँ,
ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो हर किसी कलर के साथ चल सकता है। आप कोई लाइट कलर इसके साथ पहनती हैं या डार्क कलर इसके साथ मैचिंग करती हैं तो सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप, मैंने यहाँ पे ब्लैक पहना, पिंक पहना, ग्रीन पहन सकती हैं आप, येलो ब्लाउज पहन सकती हैं, कोई भी इस तरह से आप कोई भी ब्लाउज का मैचिंग इसके साथ कर सकती हैं और साथ में उसी कलर का दुपट्टा लेकर आप कैरी कर सकती हैं। तो आई होप कि आप देख रहे हैं कि मैंने किस किस तरीके से इस दुपट्टे को कैरी किया है, अलग अलग स्टाइल्स में कैरी किया है। मुझे हर स्टाइल बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्यारा। तो सोचिए, मैं तो यहाँ पर रेडी भी नहीं हुई हूँ, बहुत अच्छे से मैंने तैयार नहीं हुआ है, अपने आप को नहीं किया है, तो ये इतना प्यारा लग रहा है। आप इसे फुली रेडी होकर अगर आप इसको कैरी करेंगी, पहनेंगी, तो आप कितनी सुंदर दिखने वाली हैं, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट। तो और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, मैंने साड़ी स्टाइल में भी कैरी किया है। मीन्स आई एम टू ग्लैड टू सी माई लुक हेयर इन दिस होल वीडियो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आइडियाज़ लेडीज़ के पास होने चाहिए। सो सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, बाय बाय।